वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेलकम यू ऑल ऑन आर यूट्यूब चैनल द लर्निंग विद फन आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट स्टैम एंड फंक्शन ऑफ स्टैम आपको करना क्या है जब भी आप बाहर जाएंगे तो अपनी सराउंडिंग में आप सबकी सराउंडिंग में प्लांट्स तो होते ही हैं हम हमारी सराउंडिंग में जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना है प्लांट्स के स्टैम को ऑब्जर्व करना है अब स्टेम कौन सा पार्ट है जैसे मान लो ये प्लांट होता है तो इसमें ये मान लो आपकी ये यहाँ पे सोयल है सोयल के नीचे वाला हिस्सा आपका रूट होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं स्टेम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये इस प्लांट का ये स्टेम है इस प्लांट में ये स्टेम है और इस प्लांट में ये स्टेम है तो आप देखेंगे ना अलग अलग तरह के स्टेम हैं फिर आपको क्या देखना है कि डिफ़रेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम आपको ऑब्जर्व करने हैं कि यानी कि जैसे स्टेम से कहीं आप देखेंगे कि ब्रांचेस निकली हैं कहीं पे आप देखेंगे बड है कहीं आप ऑब्जर्व करेंगे फ्लावर है कहीं पे आपको फ्रूट्स दिखाई देंगे तो डिफरेंट पार्ट्स आप देखेंगे कि स्टेम से जो है निकलते हैं आपको क्या करना है जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि आप भी जो बाहर जब निकलेंगे और जब भी प्लांट्स देखेंगे तो उनके स्टेम्स को ऑब्जर्व करना फिर अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया आपने प्लांट के स्टेम से कौन कौन से पार्ट्स देखे जो स्टेम से निकलते हैं आपने स्टेम की कैसी स्ट्रक्चर देखी जैसे अभी आपने देखा ना कि कुछ यहाँ पे आपने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके स्टेम्स थिक हैं कुछ के स्टेम्स जो है थिन हैं सॉफ्ट हैं और कुछ के स्टेम्स जो है इनके मिडिल स्ट्रक्चर के हैं तो हर तरह से मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके स्टेम भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी तो यहाँ तक तो हुआ आपका कि स्टेम की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना अब हम क्या करेंगे हम समझेंगे कि स्टेम प्लांट में क्या रोल प्ले करता है स्टेम का फंक्शन क्या है इसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी टू एक्टिविटी टू को करने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास वाटर इंक चाहिए हमें इंक आपकी रेड इंक आप यूज़ कर सकते हैं ब्लू इंक भी यूज कर सकते हैं और हमें चाहिए एक सॉफ्ट स्टैम करेंगे क्या ग्लास में हम वोटर uh, डालेंगे उसके बाद उस पानी के अंदर हम कुछ ड्रॉप्स इंक की ऐड करेंगे चाहे मतलब मैंने कहा ना इंक जो भी आपके पास अवेलेबल हो मे बी ब्लू रेड तो ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू दी वोटर और क्या करेंगे जो ये हमारा स्टेम हमने लिया ना इसके बेस को कट कर लेंगे ठीक है कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर सेवन पॉइंट सिक्स यहाँ पे देखिए दिस इज फिगर सेवन पॉइंट सिक्स ये ग्लास है इसमें वाटर लिया वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप्स रेड इंक की डाली ये स्टेम लिया और स्टेम को नीचे से कट कर दिया और इस स्टेम को रख दिया वाटर के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यू विल ऑब्जर्व कि जो इंक का कलर है दैट इज राइज अप इन द स्टेम और जब आप इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये जो रेड कलर है रेड कलर विल अपियर इन द विंस ऑफ द लिवज ऑल्सो तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेड कलर ऊपर तक कैसे आ गया तो ऊपर तक कैसे गया क्योंकि हमने तो ये स्टेम को कट कर दिया था तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो वोटर है ये वोटर स्टैम्प के थ्रू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इससे आपको क्या पता चला कि जो स्टैम्प है इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वोटर देखो प्लांट हम क्या बोलते हैं प्लांट वोटर कहाँ से लेते हैं सोयल से लेते हैं है ना तो सोयल से वोटर कैसे लेते होंगे मतलब जो प्लांट की रूट है रूट हम बात करें तो रूट जो है वो अब्जोर्ब करेगी वोटर सोयल से उसके बाद रूट से पानी स्टेम तक जाता होगा स्टेम से लीव्स तक जाता होगा तो समझ में आया तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला कि वाटर एंड मिनरल्स दे गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू यानी कि जैसे स्टेम जो है वॉटर की अपवर्ड मूवमेंट करता है और फिर वॉटर और मिनरल्स जो लीव्स हैं या फिर जो दूसरे प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं फ्रूट्स हैं उन तक पहुंच जाता है जो भी स्टेम से अटैच हैं ये जो फिगर दिखाया है इस फिगर में क्या दिखाया है कि ये जो ए पार्ट है ये तो ये दिखाता है कि वोटर मूव्स अप द स्टेम एंड द लीव्स क्योंकि इसमें क्या है आप रेड स्पॉट ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये जो बी वाला है दिस इज दास्ट व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम क्या किया स्टेम लिया उसको थोड़ा कट किया कट करके देखा कि इसके अंदर ये रेड स्पॉट आपको दिखाई दिए इसका मतलब क्या है कि इंक जो है आपके स्टेम में और लीव्स में सब जगह चला गया है सो so, इस वीडियो में हमने क्या समझा इस वीडियो में हमने समझा कि स्टेम क्या है और इसका फंक्शन क्या है सो so, इसमें इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद